please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. आम्रपाली बायर्स का धरना जारी है। घर खरीदार नोएडा सेक्टर 62 स्थित आम्रपाली कारपोरेट ऑफिस के बाहर पिछले एक महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं अपनी मांगों को अनसुना होता देख निवेशक नोएडा विधायक पंकज सिंह के साथ प्रदेश के शहरी विकास मंत्री सुरेश खन्ना से मिले। मंत्री जी से मीटिंग के बाद लोग काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं और बायर्स का कहना है कि हमारी सुनवाई हो रही है और उन्हें विश्वास है कि जल्द ही काम होता भी नजर आएगा। सर, मंत्री जी से हम लोगों ने परसों मीटिंग करी थी और कम से कम 1.5 घंटे तक हमारी मीटिंग चली और बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स मंत्री जी ने हमें दिए हैं। और अगर मैं कंक्लूजन देखूं सारी मीटिंग्स का तो गवर्नमेंट है पूरी तरह से हमें मकान दिलाने के फेवर में। लेकिन वहीं कुछ ग्राहक अभी भी मंत्री जी के आश्वासन को सिर्फ लॉलीपॉप मान रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि मंत्री जी उन्हें शांत कराने के लिए झूठे आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन जब तक उन्हें घर नहीं मिलेगा तब तक वो किसी की बातों में आने वाले नहीं हैं। मैं बैठक से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूं क्योंकि ये सिर्फ लॉलीपॉप दिया जा रहा है। इसमें कोई ऐसा रोड मैप नहीं दिया गया कि कौन सा को बिल्डर आएगा। उन्होंने सिर्फ डेट दिया कि 5 अक्टूबर को फिर देखेंगे। आपने देखा होगा पहले भी वो 31 तारीख को जो बात हुई थी लास्ट अगस्त के अंदर, तो उन्होंने बोला था 14-15 तारीख को फिर द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसके अंदर हम आपको पूरा बताएंगे कौन सा को बिल्डर आ रहा है। तो 14-15 तारीख को तो तीनों मिनिस्टर भाग ही गए, उन्होंने तो कुछ बताया ही नहीं कि भाई क्या है। ये तो हमारे यहाँ से 5 आदमियों की जो मीटिंग हुई है वो लोग वहाँ गए हैं लखनऊ, तो उनको भी क्या आश्वासन मिला। मैं नहीं मानता हूँ कि कोई ऐसा आश्वासन मिला कि काम होगा। ये तो सिर्फ एक लॉलीपॉप दिया गया और ये हमारा धरना जो है 37 दिन हो गए हैं, ये कंटिन्यू रहेगा। नोएडा से शिवम तनेजा के साथ प्रशांत पांडे, रियल टी मीडिया।